अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अल्फाज, जुलेखाज किचन से, मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन का सिंपल आलू वाला शोरबा, कहिए सालन, मैं तो सालन कहती हूँ, सालन बनाते हैं। और ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें पता नहीं है आप किस स्टाइल से बनाते होंगे, इस बार आप मेरे स्टाइल से बना के देखिए। क्योंकि इसमें कोई प्याज को फ्राई नहीं करना है, कुछ भूनना भरना नहीं है, एकदम डायरेक्टली चढ़ा देना है, उसके बाद हम एंड में भूनेंगे, वो तो भूनना है। बट द थिंग इज कि इतना सिंपल है कि कोई भी बना सकता है। तो अब चलिए सबसे पहले तो इसी को शुरू करते हैं। यहां मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, गोश्त को मैंने 2-3 पानी से धो लिया, निताल लिया और चर्बी सारी निकाल ली। ये आधा किलो गोश्त है। अब मैं तो कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीली में बना लें, बेस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पतीली में ही बनाएं, बट मैंने पतीली में पहले ही बना चुकी हूँ और मेरे चैनल पर अपडेट कर चुकी हूँ, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां कैसे बनाते हैं पतीली के अंदर आप उसका वहां देख लीजिए। ये मैं कुकर में क्विकली इजी झटपट कैसे बनाते हैं मटन का सालन आलू वाला, आलू के साथ, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अच्छा ये धो के नितार के गोश्त को डायरेक्टली आधे किलो गोश्त को मैंने पतीली में, मतलब कुकर की पतीली में डाल दिया है। कुछ प्याज व्याज को भुनना नहीं है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 1 छोटा बादियान और 1 बड़ी इलायची। इसके साथ साथ मैं 3-4 लौंग डाली हूँ यहाँ पे और 3-4 काली मिर्च डाल देती हूँ और समझिए ना 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा। आप चाहे तो शाह जीरा डालें, आप चाहे तो ये सादा नॉर्मल जीरा डालें, मैं तो नॉर्मल ही डालती हूँ। अब ये जो प्याज है मैंने 3 ली है, तकरीबन मीडियम से हल्की सी छोटी होगी, मीडियम ही थी तकरीबन, तो 3 ली है मैंने, मोटा मोटा काट लिया। आप चाहे तो मोटा काटे, आप चाहे तो बारीक काटे, आप चाहे तो स्लाइस में काटे, क्योंकि वैसे भी ये तो भून जाने वाली है, तो मैंने मोटा मोटा काटा है 3 प्याज और ये 2 टमाटर है। इसकी मैं हमेशा छील निकाल कर ही डालती हूँ, सो दैट जब हम शोरबा या ग्रेवी या रस बनाते हैं, जो हम कहते हैं ग्रेवी जो होती है, उसमें क्या फिर ये जो टमाटर ये ऊपर तैरेंगे नहीं और पूरी तरीके से घुल जाएंगे। तो मोस्टली तो आप भी यही कीजिएगा कि टमाटर की जो छिलके हैं वो निकाल लीजिए मेरी तरह। तो चलिए ये दोनों भी मैं डाल देती हूँ। अब इसी में डाल दीजिए तेल, जी हाँ कच्चा तेल ही डालना है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अब डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मैं 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आप 3 भी डाल सकते हैं, और मैं 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। वैसे ये नॉन स्पाइसी, आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो अपने स्वाद अनुसार डालिए या कम डालिएगा। अब मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे ये घर में बना हुआ, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें मैं हल्का सा पानी डाल देती हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट तब भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप आप देख सकते हैं, और डालकर मिक्स कर लीजिए। ढक्कन ढक दीजिए कुकर का और फास्ट आंच पर इसको सीटी खिला लीजिए 2 से 3। जब 2-3 सीटी हो जाए तो धीमी आंच करके तकरीबन समझिए ना 12 से 15 मिनट पकने दें। मैं 15 मिनट पकने देती हूँ। जब तक यहाँ गोश्त हो रहा है स्लो पर, मैंने सोचा थोड़े से चावल बघार दो, बघारे के चावल होते तो ज्यादा मजा आता है खाने के लिए। थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, एक छोटी डांडी डंडी दालचीनी, अच्छा इसको थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दे रही हूँ। जब तड़तड़ा जाए ये रेडी रखिए आप प्लेट एक, और यहाँ मैं बिस्मिल्लाह, फ्यू सेकंड्स के बाद इसके अंदर बाकी का सादा पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, उबाल आ जाए तो चावल डाल दीजिए। अच्छा मैंने जो डाला वो नमक था चावल के बाद का, तो यहाँ चावलों के पानी को उबाल आ चुका है तो चावल डाल देते हैं सारे। मैं बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी नॉर्मल
जो चावल होते हैं, कोलम चावल, सूरती कोलम, कोई भी इस्तेमाल कीजिए। चावल पक रहे हैं, यहाँ 15 मिनट हो चुकी है इस स्टोव पे, तो बंद कर देती हूँ उसका चूल्हा। अभी मत खोलिएगा, कुछ देर बाद जब इसका पूरा प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही खोलिएगा, अभी मत खोलिएगा। तो बस चावल पक रहे हैं, मैं फिर मिलती हूँ। तो चलिए, ये पानी पूरा ऑलमोस्ट सूख चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसे दम पर रख देती हूँ। स्लो कर दिया चूल्हे को, पूरा नहीं ढाक रही हूँ क्योंकि कभी कभी कभार क्या होता है, थोड़ा पानी बाहर गिरता है तो चूल्हा खराब हो जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं इसके जो ढक्कन है उसको और पूरी तरीके से डाल दूंगी। चलिए, साइड बाय साइड ये भी हो चुका है, प्रेशर निकल चुका है, देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें हल्के से प्याज और टमाटर अभी भी है। अभी ये जो गोश है आप इसे चेक कर लीजिए, गोश समझे ना 80-90% गला हुआ होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम अभी आलू भी डालने वाले हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ। गोश तकरीबन 80% हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 3 आलूओं को मीडियम साइज थे छील निकाल ली, और इसे बीच में से 2 पीस कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो मेरी तरह 3 लें, आप चाहें तो 4 लें, जितने लेने हैं आपको। छोटे थे, एकदम बड़े भी नहीं थे, एकदम छोटे भी नहीं थे, तो मैंने इनको इस तरीके से 1 के 2 किए। आपके बहुत ज्यादा बड़े हो तो 1 के 3 कीजिए, 1 के 4 कीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ी कोथमीर रखी है, इसे काटनी है मुझे, और ये 2 हरी मिर्चियां हैं, ज्यादा स्पाइसी वाली नहीं है, तीखी नहीं है, फीकी वाली है, तो मैं ये 2 डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 डालिए अगर ज्यादा स्पाइसी वाली हो, और अच्छा आप चाहें तो जो लाल मिर्ची का पाउडर है, मैंने तो कश्मीरी डाला है तो स्पाइस नहीं रहता है, पर आपका ज्यादा स्पाइसी वाला हो तो आप जरा इससे और वो मिर्ची को अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है ना। और आप चाहें तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसका चूल्हा मैं चालू कर देती हूँ, फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर भी रख सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की प्याज और टमाटर हल्की दिख रही है, तो हमें इसे भूनना है। भूनने के लिए आप मीडियम आंच ही रखिए और बार बार चलाते रहिए। मैंने चूल्हा अभी मीडियम आंच किया, 1-2 मिनट मैं इस तरीके से मीडियम आंच पर पका रही हूँ। जब 1-2 मिनट हो जाते हैं तो मैं अब इसमें आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए भूनना तो है ही, अब 80-85% मटन भी हो चुका है तो आलू भी उसी हिसाब से गलने चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, आलू भी डाल दूंगी तो अच्छे से ये जो भुना भी जाएंगे, आलू में भी थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी का कस है, रस जो कहिए, वो भी चढ़ेगा, तो मज़ा आएगा। इसमें डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोथमीर और 2 हरी मिर्चियाँ जो मैंने आपको बताई थी, वो भी डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा समझिए ना 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। और इसे मीडियम आंच ही रखिए और बहुत अच्छे से भूनते जाइए, तकरीबन 4-5 मिनट लगेगी इसे भूनने। और जब आप देखेंगे कि तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है, इसका मतलब वो भुना चुका है। तब जब तक तेल नहीं आता है तो भूनते रहिए। यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, उसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मीडियम आंच पर हो रहा है, तब तक मैं चावल देख लेती हूँ, वैसे तो हो चुके हैं पर मैं इसे फोड़ देती हूँ। चलो, ये बन चुके एकदम बढ़िया से छोटे छोटे चावल। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी भी भुना ही रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये गैस्केट निकाल के ढक्कन ढक रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ रहा है बाहर। चूल्हा मीडियम पर ही है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का तेल ऊपर आ रहा है कुछ देर में, और ये देखिए अच्छा खासा घुल चुका है। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर मैं और थोड़ी देर रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा और तेल ऊपर छूटे, और मीडियम पर ही है चूल्हा और मैं वहीं खड़ी हूँ, बार बार थोड़ा ढाक रही हूँ, खोल कर चेक कर रही हूँ और इसे चला रही हूँ। कुछ देर बाद ये देखिए कितना अच्छा तेल ऊपर आ चुका है, जितना आप तेल डाले होंगे उतना ही आएगा। अब मैं यहाँ डाल देती हूँ तकरीबन 2 से 2.25 कप, और थोड़ी सी कोथमीर बारीक कटी हुई डाल देती हूँ, और नमक भी एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, मैं 2.25 डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से, अगर आपको एकदम भुना हुआ टाइप चाहिए तो कम पानी डालिए, तकरीबन 1 कप डालिएगा। अब मुझे थोड़ा सा रस्सेदार चाहिए तो मैंने ज़्यादा डाला है, आप 2 भी डाल सकते हैं, 1.5 कप भी डाल सकते हैं, मैंने 2.25 कप डाले हैं। एक उबाल आ जाने दीजिए, जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और फिर से ढक कर पकने रख दीजिए तकरीबन
10 से 12 मिनट तक। अच्छा आज मैंने है ना सैलेड के लिए क्या किया है, सारी चीजों को सैलेड के लिए समझे ना, प्याज है, टमाटर है, काकड़ी, खीरा आप कहते होगे, मैं तो काकड़ी कहती हूँ, वो है, और गाजर, प्याज, टमाटर और खीरा, ये चार चीजों को मैंने डाल दिया। अच्छा आपके पास ये क्या कहते हैं सैलेड का पत्ता हो ना, या फिर लेटस, वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं, धोकर बारीक काट कर डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। मुझे मिला नहीं नीचे हमारे यहाँ सब्जी वाले के पास, मैं थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अच्छा आपके पास ये भी हो तो डाल सकते हैं ऑलिव ऑयल, पर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरी मिर्चियां काट कर डाल दीजिए, ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है तो मैं एक डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा कोथमीर, आई मीन धनिया पत्ता, मैं तो कोथमीर कहती हूँ, ये डाल दिया, और थोड़ा सा नींबू का रस। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए चखने के बाद। चलिए ये बन चुका मेरा। चलिए तो मैं इसका स्लो पर था, इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, तकरीबन 12 मिनट हो चुकी है, और चेक कर लेते हैं। वैसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हो ही चुके होंगे, बट तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आलू अगर आपको देखने हैं तो ये जो छुरी इस तरीके से डालेंगे ना, पूरी आराम से आसानी से छुरी अंदर तक चली जाएगी, इसका मतलब आलू हो चुके हैं। और वैसे भी हमने जब आलू डाले थे तो 80-90% गोश हो चुका था, तो अभी ये 12-13 मिनट में तो आराम से बाकी का 10-15% हो ही चुका है। चलिए अब प्याले में निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म मेरे मजेदार से मटन शोरबे को, मटन के सालन को कहिए, बढ़िया सा मस्त पतला सा आलूओं वाला, आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया भुना हुआ भी रख सकते हैं। ये सारा जब आप निकाल लें तो इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। मैं इस मज़ेदार सालन को चावल के साथ सर्व कर रही हूँ जीरे वाले और बघारे हुए, और रोटी के साथ सर्व करूँगी तो मैं चावल भी निकाल लेती हूँ बढ़िया से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। तो चलिए आप भी आइए, बोलिए मेरे साथ बिस्मिल्ला। और वैसे मैंने कुछ मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो शर्माइएगा मत, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।